तो हेलो गाइस, मैं हूँ हरिओम अग्रवाल। आज है तीसरा दिन अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर में। अभी देखते हैं चल के कि क्या काम हुआ है। मेरे ख्याल से तो उन्होंने प्राइमर मार दिया होगा, प्राइमर के ऊपर वेट सैंडिंग भी हो चुकी होगी, क्योंकि यार कल मैं दिन में ही वापस आ गया था। तो अभी देखते हैं आज की तारीख, अगर मैं दिखाऊँ तो है 10:36, अगर आप सुबह के देखेंगे 10:36 हो रखे हैं। तो चलते हैं सर्विस सेंटर में और देखते हैं। अब मैं इसको ज़्यादा नहीं खींचूंगा, मैं इसी वीडियो में आपको मतलब आज और अगर जो 1 जुलाई को भी काम होगा ना, वो सब भी मैं इसी वीडियो में कंपाइल करके दिखा दूंगा, ठीक है? क्योंकि यार ये मुझे ऐसा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा ही खिंच रही है, तो थोड़ी थोड़ी एक क्लिप्स लेके मैं आपको पूरा का पूरा काम दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं हमारी गाड़ी पर प्राइमर लग चुका है और इसकी एक वेट सैंडिंग भी हो चुकी है, ठीक है? सारे हमारे बॉडी पैनल्स जो हैं वो सारे मतलब एक लाइन में आ चुके हैं, सारे की सैंडिंग हो चुकी है, सारे पे प्राइमर भी लग चुका है। प्राइमर से पहले ये इन्होंने सीलर इसलिए नहीं मारा क्योंकि यार पेंट हमारा अभी नया ही था और पेंट हमारा पहले से हो रखा है। अगर नया बॉडी पैनल होता ना तो एक पेंट सीलर भी लगता, उसकी कॉस्ट अलग लगती है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ एकदम अलाइंड है। तो अभी इन्हें वेट सैंडिंग करने देते हैं, फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सर्विस सेंटर में अभी 2 पेंट बूथ्स जो बने हुए हैं। पेंट बूथ क्या होता है, एक एनक्लोज्ड चेम्बर होता है, ठीक है? ये पूरा सील्ड होता है जिसमें ऊपर और नीचे फिल्टर्स लगे होते हैं, जिससे हमारा जो पेंट ओवर स्प्रे होता है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्या होता है ओवर स्प्रे। ये मतलब सक्शन से पेंट ओवर स्प्रे को खींच लेते हैं अपनी तरफ, जिससे कि वो गाड़ी पर ऑरेंज पील थोड़ा कम आता है, ठीक है? और इसमें पूरी की पूरी लाइटिंग रहती है और एक इवन टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ताकि अपनी गाड़ी जो है उसकी बेकिंग प्रोसेस आराम से हो, इवनली हो, उसका पेंट मतलब कि इतना ज़्यादा वैसा नहीं हो, खुरदुरा सा ना बने। तो ये देख लो आप, पेंटिंग से पहले का जो प्रोसेस होता है वो होता है मतलब कि सब कुछ रैप कर देना, जो हमें पेंट नहीं करना होता ना। यहाँ पर मेरी गाड़ी नहीं है यार, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी के टाइम पे था नहीं यहाँ पर, तो मैं आपको दूसरी गाड़ी का दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेपिंग और मास्किंग, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है और सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग स्टेप होता है। ये सबसे ज़रूरी होता है क्योंकि अगर इधर उधर पेंट लग गया ना तो ये उतरेगा नहीं आसानी से। मास्किंग होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंट बूथ पूरा क्लोज हो जाता है, ठीक है? और यहाँ पर पेंट की मिक्सिंग होती है, फिर पेंट की मिक्सिंग के बाद इस पर स्प्रे करा जाएगा, ठीक है? और फिल्टर्स को चालू कर दिया जाता है, मतलब सक्शन कप्स, जिससे कि हमारा ओवर स्प्रे जो है वो निकल जाता है। यहाँ पर हम पहले वैक्स एंड ग्रीस रिमूव कर चुके हैं इस पर गाड़ी पर, ये देख लीजिए आप। पेंट को ऐसे स्प्रे करते हैं इवनली और एक ही पैटर्न में स्प्रे करते हैं। इनका हाथ बैठा होता है तो इनको पता होता है कैसे स्प्रे करना है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है पेंटिंग के दौरान। तो भाई यार आज है नेक्स्ट डे, तो आज जाके देखते हैं, आज तो पूरी गाड़ी बनी जाएगी, लंच टाइम तक वो गाड़ी दे देंगे। तो मतलब आज बस रबिंग होनी है गाड़ी की, वो मैं आपको पूरी दिखाऊंगा कि रबिंग की क्या प्रोसेस रहती है और उनकी पेंटिंग की क्या क्वालिटी रहेगी और शाइन वगैरह कैसी आएगी, ठीक है? 2-3 दिन बाद भी मैं देखूंगा कि मतलब कैसी क्वालिटी रहेगी और रिस्पॉन्स मैं आपको सारा बता दूंगा कि उनसे पेंटिंग कराने के बाद मुझे कैसा मतलब वो मिला है आउटपुट। तो यहाँ पर खड़ी है अपनी गाड़ी पूरी पेंटेड, ठीक है? इस पे लगे हैं हमारे 3 बेस कोट, मतलब 3 जो हमारे वाइट पेंट के लगे हैं और 2 क्लियर कोट लगे हैं। हमारा क्वार्टर पैनल से लेके आगे तक का फेंडर जो है वो पूरा रीपेंट हुआ है हिस्सा। कैमरा में इतना ऑरेंज पील वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन रियल लाइफ में अभी थोड़ा डल सा है ये पेंट। इसकी कटिंग होनी है, कटिंग वो कैसे होगी कंपाउंडिंग वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारा जो डोर हैंडल है ना, ये पूरा नया डला है, इस पर पन्नी भी चढ़ी हुई है, अभी आप देख सकते हैं। ये आपको मैं अभी पीस भी दिखा दूंगा कहाँ पे रखा हुआ है। ये पैसिव एंट्री जो बटन वाला डोर हैंडल था, ये वो है हमारा, ठीक है? और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे जो डेंट्स हैं वो तो निकल चुके हैं यार, अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब कि कुछ हुआ भी था गाड़ी को। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ORVMs भी जो है हमारे, सारा कुछ ये जो फेंडर वगैरह है सब कुछ अलाइंड है, ये आप देख सकते हैं पूरा। ORVMs भी मैंने पेंट करवा लिए थे, दोनों ही पेंट करवा लिए थे यार, हाई ग्लॉस ब्लैक में। मैंने इसका रैप उतरवा दिया था, तो मैंने सोचा यार री रैप क्या कराना है, इसको पेंट ही करा लेता हूँ मैं, कंपनी से ही पेंट हो जाएगा, ठीक है? अभी आपको दिखाता हूँ मैं डोर हैंडल कहाँ पर रखा हुआ है। तो अभी आप दूसरा ORVM भी देख लीजिए, लुक तो भाई बढ़िया आ रही है, देखो प्लास्टिक पे तो बहुत ही बढ़िया पेंट करा है, लेकिन उस पर तो अभी शाइन नहीं आ रही है। असली पेंट अगर आप देखेंगे तो अभी आप देख सकते हैं, कैमरा में यार इतना फ़र्क ही नहीं पता चल रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा। और अंदर से अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हाल है अभी गाड़ी के। तो अंदर से आप देख सकते हैं अभी गाड़ी बहुत गंदी पड़ी है और इसमें डोर हैंडल हमारा रखा हुआ है, जो हमारा इंश्योरेंस में क्लेम होकर नया डला है। पैसिव एंट्री के बटन वाला डोर हैंडल है हमारा ये। तो चलो अभी आगे चलते हैं गाड़ी का काम देखने।
तो डैश वगैरह चमक रहा है, हाँ यहाँ पे मतलब रफ सा है थोड़ा सा, क्लियर कोट का मतलब। और ये साबुन वाला पानी है, नॉर्मल है? नॉर्मल। और ये कौन सा नंबर मार रहे हो अभी? 1200। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भैया ने अभी हमें बताया कि इसकी वेट सैंडिंग हो रही है, उसके बाद ये हमारा जो क्लियर कोट है वो अलग से ही निखर के आएगा। यहाँ पर अगर टेल लाइट पे भी ये लग जाएगा ना तो ये फाइन सैंड पेपर है तो इतना पता नहीं चलेगा, उस पर कंपाउंडिंग भी हो जाएगी टेल लाइट पे, उस पर प्लास्टिक पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे तो इतने फाइन सैंड पेपर के बाद। तो अभी इनको ये काम करने देते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ आगे क्या होता है। पहले एक अभी इसका हाथ लग रहा है 1200 नंबर पे, ठीक है, और नॉर्मल पानी पहले मार दिया गया था हमारी गाड़ी पर। तो भाई यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ ना तो एक वेट सैंड का कोट होने के बाद, मतलब कि एक बार घिसने के बाद, यहाँ पर जहाँ पर वेट सैंड हुआ था ना ये जगह जो है बहुत ज़्यादा प्लेन हो चुकी है, मतलब इतनी स्मूथ हो चुकी है, आपका हाथ एकदम स्लिप हो जाएगा इस पर, ये डिफरेंस आ जाता है। आगे की अगर मैं सर्फेस छू के आपको बताऊँ, रियल लाइफ में अगर आप छूएंगे ना तो थोड़ा रफ सा है अभी, तो एक सैंड पेपर के कोट के बाद ये फ़र्क आता है हमारी गाड़ी पर। मतलब ये पानी ऐसे बस नीचे, हाँ, नीचे चलेगा। अच्छा, वरना ऐसे चिपकता जाएगा पानी, मतलब छूटेगा नहीं पैनल से। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भैया ने हमें बताया है कि जब हमारी वेट सैंडिंग कंप्लीट हो जाती है ना तो हमारे पैनल्स पे पानी जो है वो टिकता नहीं है, वो अपने आप छूटता हुआ चला जाता है। अभी मैं आपको पास से भी दिखाऊंगा तो वो आप ऑब्जर्व करना। हमारा जो क्वार्टर पैनल है उसकी वेट सैंडिंग जो है हमारे दोनों पेपर से हो चुकी है, दो बार उसके वेट सैंडिंग हो चुकी है, और हमारा जो आगे का डोर है उस पर अभी एक ही बार हुई है। तो अभी आप देखना पानी कैसे उस पर चिपक रहा है डोर पे, और क्वार्टर पैनल से कैसे एकदम से स्लिप होता हुआ जा रहा है, ठीक है, ये आप ऑब्जर्व करना और मुझे बताना कमेंट्स में। तो यहाँ पर अब अपनी वेट सैंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको क्लियर कोट का रिस्पांस अगर मैं दिखाऊं तो इतना मतलब रफ़ तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा यार स्कफ अप हो चुका है पेंट, मतलब कि जो है ना थोड़ा बहुत पुराना सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ भी शाइनी नहीं है। तो वो अभी आपको दिखाता हूँ मैं कि कैसे वापस आएगी, ठीक है। बाकी अपनी वेट सैंडिंग तो दोनों लग चुकी हैं, दोनों पेपर 1200 ग्रिड के। तो अब यहाँ पर शुरू होने वाली है अपनी कंपाउंडिंग, मतलब कि जो रबिंग होती है ना हमारी वो लगने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे का हमारा डोर पैनल जो है वो रब हो चुका है, मतलब एक ही कोट लगा है अभी रबिंग का, इस पर चार कोट लगते हैं। रबिंग लगने के बाद मतलब हल्की हल्की फैलाई जाती है हाथों से ही, उसके ऊपर थोड़ा पानी मारा जाता है, फिर ये जो मशीन होती है ना इसमें वूल पैड जो होता है वो घुमाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3M की हमारी रबिंग होती है, 3M और फॉल दोनों ही होते हैं यहाँ पर, ठीक है। और पानी इसलिए मारा जाता है क्योंकि अगर ये वूल पैड हमारा ज़्यादा गर्म हो जाए ना घूमते घूमते पैनल के साथ, ज़्यादा गर्मी ये जनरेट करता है तो हमारा पेंट जो है वो बर्न हो सकता है, हमारे बर्न के जो मार्क्स हैं वो हमारे पेंट पे आ सकते हैं, बिल्कुल नए पेंट पे, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसलिए हमारा पानी जो है वो हम लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, आगे तक ऐसे ही शाइन आएगी, और मतलब कि इस पर चार कोट जो है वो रबिंग के लगेंगे अभी।
तो भाई यार अगर असलियत में मैं बताऊं, चार कोट हमारे जो रबिंग के हैं वो लग चुके हैं, ठीक है। पीछे बम्पर पे भी लग रही है थोड़ी बहुत रबिंग, और आगे बोनट पर भी लगेगी, ताकि थोड़ी पेंट जो है वो मिक्सिंग हो जाए, ठीक है। जो मतलब पीला पड़ा हुआ हमारा पेंट होगा ना पुराने वाला, वो नए पेंट के साथ हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए और बिल्कुल भी फ़र्क ना पता चले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेल लाइट पे भी रबिंग हो रही है, हमारी टेल लाइट पे भी, जो हमारा हमने फिल्म भी चढ़वाई थी ना, टेल लाइट हमने स्मोक करवाई थी, उस पर कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ा है, मतलब कि वो बिल्कुल भी नहीं उतरा है, क्रोम से भी नहीं उतरा है, ये पॉलिशिंग मशीन लगने के बाद नहीं उतरा यार, तो मतलब कहाँ से उतर जाएगा वो, तो मुझे तो यही लग रहा है, ठीक है। बाकी अगर मैं शाइन की बात करूँ तो शाइन तो बहुत ही अच्छी आ रही है, अगर अभी आप देख सकते हैं। फाइनल आउटपुट मैं आपको 2-3 दिन बाद ही बताऊंगा कि यार मुझे काम कैसा लगा, और मतलब 2-3 दिन बाद मतलब कि इसकी वो जो कॉस्टिंग वगैरह है सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा, और आपको बताऊंगा कि ये वर्थ इट है या फिर नहीं। डेंटिंग पेंटिंग अगर आप अपने पैसे दे के शोरूम से करा रहे हैं ना, तो मतलब कि कैसा काम मिलेगा आपको। तो भाई यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं हमारी जो कंपाउंडिंग है वो पूरी हो चुकी है, बोनट पे भी हमारा जो रबिंग है वो सब हो चुका है, वैक्सिंग पॉलिशिंग वगैरह सब हो चुका है, ठीक है। पेंट एकदम मैच है, बोनट पे हमारा ओरिजिनल पेंट है और फेंडर हमारा रीपेंटेड है, आपको फ़र्क बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा यार, एकदम पेंट मैच करके दिया है, वो तो कहने की बात है यार, मतलब कि कहना बनता है इस पर कि यार बिल्कुल ही अच्छी पेंट जॉब हुई है, पेंट जॉब बहुत ही अच्छी हुई है। और बाकी अगर मैं अभी बताऊँ कि क्या हो रहा है अपनी गाड़ी पर, जो हमारा कंपाउंडिंग करते हैं ना, तो उस पर कंपाउंड हमारा मतलब जो है वो इधर उधर चिपक जाता है, मतलब कि कोनों में रह जाता है, तो वो वाइट पड़ जाता है, तो वो अभी निकाल रहे हैं, उसके बाद हमारी गाड़ी की वॉशिंग होगी, फिर हमें गाड़ी की जो है वो हमें डिलीवरी मिल जाएगी। तो भाई आखिरकार अपनी गाड़ी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, अंदर से वैक्यूमिंग वगैरह हो रही है और पॉलिशिंग हो रही है, टायर्स पे पॉलिश लग चुकी है, ठीक है। ये रीपेंटेड साइड है जो अभी आप देख रहे हैं, और वहाँ से अगर आप देखेंगे बिल्कुल फ़र्क तो पता ही नहीं चल रहा यार, और इतनी चमक रही है ना गाड़ी वॉश होने के बाद। अब मैं आपको बताऊँगा फाइनल खर्चा अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप बने रहिए, क्योंकि यार मुझे क्वालिटी ऑफ वर्क भी देखना है कि 2-3 दिन बाद क्या रिस्पॉन्स आएगा पेंट का, ठीक है। तो वो मैं आपको इकट्ठे ही बताऊँगा कि क्या बिल आया है, वैसे मैंने 1000 रुपये ही दिए हैं।